प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर आप 8th क्लास तक पढ़ते हैं दिल्ली में, तो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, साथ ही आप बहुत अच्छे इनाम भी जीत सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है आपके लिए, रंगोत्सव। तो क्या करना है, कैसे करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर है वो सेलिब्रेटिंग रंगोत्सव इन स्कूल ऑफ दिल्ली अंडर समग्र शिक्षा 2021-22। तो 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत रंगोत्सव मनाया जाएगा स्कूलों में। ये हर साल मनाया जाता है, और इसमें बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी एजुकेशन आपका शिक्षा है, जो पढ़ाई है, उसे जॉयफुल बनाने के लिए आप अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर कलरफुल बनाना है आपने रंगोत्सव, जो कि अभी दिवाली आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर आप क्लास वाइज देख सकते हैं कि ये शेड्यूल किया गया है। अगर आप पहली और दूसरी क्लास के लिए, तो आप फैंसी ड्रेस बनाएंगे, रामायण के ऊपर कैरेक्टर्स जो हैं उनके फैंसी ड्रेस बनाएंगे। साथ में अगर आप सेकेंड में, तो ड्राइंग एंड कलरिंग, तो कलरिंग बनाएंगे, और थीम आपका रहेगा दशहरा और दीपावली। तो दीपावली की ड्राइंग बना सकते हैं, और आप कलर बना सकते हैं, ठीक है, कलर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए देखो, दिया बनाएं आप, थाली डेकोरेशन कर सकते हैं, थाली बनाएंगे, उसमें दिया वगैरह रखेंगे आप। उसके बाद अगर आप फोर्थ क्लास में हैं, तो पेपर बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं आप, दीपावली के आइटम्स बना सकते हैं। और अगर आप फिफ्थ में हैं, तो दीपावली कार्ड्स बना सकते हैं, रंगोली मेकिंग। तो रंगोली के लिए बहुत सारे कार्ड्स बना सकते हैं। और बेसिकली हम बात करेंगे छठी में, तो छठी में आप बनाएंगे रंगोली मेकिंग, कैसे बनाएंगे आपके लिए पिक्चर्स भी मैं लेके आया हूँ। साथ में सेवन्थ क्लास में आप बनाएंगे कैंडल मेकिंग, यानी कि आपने मोमबत्ती बनानी है। और एट्थ क्लास में आप बनाएंगे मास्क मेकिंग, तो थीम आपका रहेगा दशहरा या दीपावली। तो कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं, आप उनकी मदद से, उनकी हेल्प से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे आप। तो आप देख सकते हैं कि ये रंगोली बना सकते हैं आप इस तरह से, कितना प्यारा कलरफुल बनाया हुआ है। आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं, लाइक ये भी आप रंगोली देखेंगे, क्या प्यारा कमाल का है। तो इस तरह से आइडियाज ले सकते हैं आप, और इससे बेटर आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस आइडियाज़ हैं, आप इसे अच्छी भी बना सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक फॉर्मेट है, कि जैसे आप सीख सकते हैं कि कैसे आपने बनाना है। ये देखिए, ये भी रंगोली बनाई है, आप यहाँ पर दिए वगैरह भी बना सकते हैं रंगोली के साथ साथ। ये देखिए, तो बहुत अच्छी यहाँ पर रंगोली बनाई हुई है। तो ये रंगोली छठी क्लास के लिए है। अब हम बात करेंगे सेवन्थ क्लास में, तो सेवन्थ क्लास के लिए आप कैंडल बना सकते हैं। देखिए, कैंडल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जो भी आपके घर में पुराने कैंडल्स हैं या मोम वगैरह हैं, तो उसे आप पिघला करके कुछ इस तरीके के आकार का बना सकते हैं। आप चाहें तो पैन के अंदर भी, जो पैन का सिक्का निकाल लें, और सिक्के में ये सारा मोम भर के इस तरह से कलरफुल आप बना सकते हैं। और अगर मैं एट्थ की बात करूँ, तो एट्थ में आपको बनाना है मास्क मेकिंग। तो ये सेवन्थ का रंगोली है, मास्क आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि आप बना, ये देखो पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये मास्क है आपके, जैसे रावण का मास्क बन जाएगा, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, चाहे हो तो आप किसी दूसरे का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे रंगोली बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं। तो कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। कैसे लगी ये वीडियो, क्या बनाना पसंद करेंगे आप, तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। आपको बहुत अच्छा प्राइस भी इसमें मिलता है। तो आपने ये सारा कुछ बनाने के बाद अपने क्लास टीचर को सेंड करना है, जो भी आपकी क्लास टीचर हैं। और हाँ, पिक्चर में आप ज़रूर अपना नाम भी मेंशन करेंगे अपनी क्लास डिटेल के साथ, ताकि वो आपके नाम से ही आगे जाए। धन्यवाद।